अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। आज जुमे का दिन था और हम सोच रहे थे कि उमरा करने के लिए चलते हैं। सुबह फजर की नमाज़ के बाद हम लोग उमरे के लिए रवाना होंगे। हम लोगों ने घर से नाश्ता वगैरह नहीं किया था, सोचा रास्ते से नाश्ता ले लेंगे क्योंकि देर हो रही थी। जुमे के दिन वैसे भी जल्दी जाना चाहिए उमरा करने के लिए, क्योंकि अंदर जाने नहीं देते, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर जुमे की नमाज़ के बाद ही अंदर इंटर होने देते। रास्ते से हम लोगों ने नाश्ता लिया था और फिर हम अपने सफ़र पर रवाना हुए। जब भी मैं सफ़र करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, जब भी मैं ये पहाड़ देखती हूँ, पहाड़ देखने से बहुत ही पुराने ज़माने के दौर याद आ जाते हैं, जो हिस्ट्री में है, बुक्स वगैरह में है, कैसे लोग पहाड़ों में सीधे गुजारते थे, सर्दियों में कैसे पहाड़ों में रहते थे। अभी तो बहुत ही पहाड़ और पत्थर करके लोगों ने हिस्ट्री हुई है पहाड़ों में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ों में घर हैं लोगों के। यहाँ पे हम लोग इंटर हो गए हैं मक्का में अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में एक जगह पे बैठ के नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ही जल्दी में हम लोगों ने नाश्ता किया था। और ये देखें, ग्रुप्स के ग्रुप्स जा रहे हैं मक्का की तरफ। पता नहीं कौन सी कंट्री का ग्रुप था। ये देखिए, जो पिंक कलर में स्कार्फ भी उन्होंने ओढ़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश भी बहुत ज़्यादा था मक्का जब इंटर हुए हैं तो। जुमे का दिन था, इस वजह से रश बहुत ही ज़्यादा था। बहुत सारे रास्ते सुबह सुबह ही 7 बजे बहुत सारे रास्ते भी बंद हो चुके थे। हाँ, खोल गई मक्का इंटर होने के। बहुत ही मुश्किल से हम लोग हरम बाग में इंटर हुए। पीछे शेर वाले पास चौक देना था। ओ काला, हाँ इमे में। ओ ओ चलो मक्का इंटर होने के बाद हमारी गाड़ियों फिर रेडी से मैं आते अंदर मार ला हूँ। ट्रैफिक पुलिस वाले अंदर नहीं जाने दे रहे थे और यहाँ पे हमने टैक्सी रेंट पे करवाई और इसके जरिए हम हरम पाक में इंटर हुए। ਓ ਬ੍ਰੇਕ ਉਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਚਿੱਟ ਆ ਵੇਖ ਆ ਆ ਲਈ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹਾਂ ਚੱਲ हरम पाक में इंटर नहीं होने दिया था। हमने काफ़ी की तरफ लेकिन हरम पाक के सामने इंटर हो गया था। उन्होंने कहा जुमे का टाइम हो, यानी कि जुमे की नमाज़ के बाद आप लोग अंदर जा सकते, पहले नहीं जा सकते क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा हाजी लोग आए हुए थे, नहीं कुछ इस किस्म से लोग आए हुए थे और बहुत ही ज़्यादा रश था। इस वजह से उन्होंने 8:40 पे ही अंदर गेट
को बंद कर दिया था, हरम पाक की तरफ जो जाता है ना गेट, उसको बंद कर दिया था। अभी हम लोगों को यहाँ पे जगह मिली और हम यहीं पे हम लोगों ने नमाज अदा की, जुमे की। यहाँ पे काफ़ी कंट्री के लोग बैठे हुए थे और काफ़ी कंट्री की औरतें बैठी हुई थी, उन्होंने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया और बच्चों को कोबा भी जमजम भी पिलाया, जुमे की नमाज भी जल्दी पढ़ी। और जुमे के बाद कोई रश कम हुआ तो हम लोग अंदर काबे की तरफ गए। यहाँ पे जो बाकी के लोग बाइक खड़े थे जो अंदर आना चाह रहे थे उनको अंदर इंटर नहीं होने के बाद में पुलिस वालों के दिल में पता नहीं क्या रहा है, ऐसे गेट ओपन करके ये सारे लोगों को परमिशन और आप ये देखे इतनी आवाम थी, जितनी आवाम थी अल्लाह के घर में। पहले तो न्यूज़ में हम लोगों ने सुना था कि 26 लाख से भी ज़्यादा लोग हज के लिए आए हुए हैं। अभी तक जब हम लोग गए थे तो बड़ी ईद के बाद पहले दिन भी हम लोग गए थे तो अभी तक तो बहुत कम लोगों को वापसी मिली होगी। और ये देखिए आप कितना रश है माशाल्लाह से, कितना रश है अलग अलग के घर में। दुनिया तो देखो, दुनिया तो देखो। बकरों की थप्पड़ वेख, दुनिया का वेख तेन मैं कितने लिया एक मिनट। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। ये ना चिड़िया की कुछ औरतें आई हुई थी हज के लिए तो उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह से यहाँ पे आप Thank you.
यहाँ पे मेरे बड़े बेटे को नींद आ गई थी और उसको मैंने इसी स्ट्रॉलर में सुला दिया था और छोटे को मैंने उठा लिया था। इधर मैं अपने बड़े बेटे को ही लेके गई थी तवाफ के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और छोटे को मैंने, हमारे फैमिली मेम्बर था उनको मैंने पकड़ा दिया छोटे बेटे को और बड़े के साथ गई थी। वो इतनी गर्मी थी अल्लाह ताला के घर में, लेकिन हमने कहा हम लोगों ने तवाफ करना ही करना है। यहाँ पे हम तवाफ कंप्लीट कर चुके थे और मेरा बेटा बहुत रो रहा था। मेरे ख्याल में मेरे बेटे को बुखार हो गया था गर्मी की वजह से और यहाँ पे हमारा तवाफ मुकम्मल हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद मिट्टी गर्मी लग रही है ना उससे बड़ी। यहाँ पर उमरा कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने और अब बाहर की तरफ जा रहे हैं घर की तरफ। असर की नमाज हम लोगों ने हरम पाक में ही पढ़ी थी, उसके बाद हम लोग अब घर की तरफ जा रहे थे। सोचा रास्ते में से कुछ खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और हरम पाक से बाहर की तरफ निकलने का ये रास्ता। अहमद इधर देख, इधर देख। हरम पाक से बाहर जाने के फौरन बाद हम लोगों ने लिया खाना। खाना लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के तसल्ली से खाना खाया और ये मस्जिद जिन थी, मैंने चलो जल्दी वीडियो बना देती। ये मस्जिद जिन है मक्का में। अभी यहाँ से फिर जाने की तैयारी कर रहे हैं और अभी बहुत ही रश था रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह से और हमारा पूरा हो गया माशाल्लाह।